Hello guys, this is video number 3, lecture number 3 and video number 3. In video number 2, we have talked about the warming of relations 2010 and 2012. This was the phase when both the countries, both the cricket teams of both the countries played semi-final match, and Gilani also visited India at that time and met Manmohan Singh. There was the meeting of delegations also, and there was a little bit, negotiation arranged by both the countries. So, अब हम देखने जा रहे हैं Indo-Pak relations in year 2014 and 15. यहाँ पे जब ये 2014 और 15 में दोबारा से hostilities बढ़ गईं और relations दोबारा से दोनों countries के खराब हो गए. 2014 और 15 में तो सबसे ज्यादा रिलेशन इस वजह से भी खराब हुए कि 2015 में जो है ना गुरदासपुर अटैक भी हुआ. 2015 में सबसे ज्यादा एलओसी की वायलेशंस भी हुई कि मतलब एलओसी पे हर दिन मतलब हाई रोज जो है ना वायलेशंस होती रही एलओसी की, भारत की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, और जिसकी वजह से बहुत मतलब ये जो दो साल रहे 2014-2015 रिलेशंस के बहुत खराब रहे आपस में. गुरदासपुर अटैक हुआ जुलाई 2015 में, और इसका भी जो भारत ने जो इंडिया ने ब्लेम पाकिस्तान को किया कि पाकिस्तान ने अटैक करवाया. और सेकंडली ये कि इसकी वजह से रिलेशन जो है ना बड़े खराब हुए उस वक्त, एट दैट टाइम रिलेशन बहुत खराब हुए. मैं भी स्लाइड शो करना चाह रहा था, यस हो गया स्लाइड शो. सो तो अटैक ऑन इंडिया, ये तो हमने पढ़ लिया इंडियन रिलेशन का गुरदासपुर अटैक होगा. फिर पीएम 4.4 पॉइंट पीस प्लान, ये नवाज शरीफ ने 2015 में अपनी जो तकरीर की थी, आई थिंक 2016 में जो उसके बाद जनरल असेंबली में जो तकरीर की थी, जो बुरहान वानी की शहादत के बाद की तकरीर थी, उसमें फोर पॉइंट पीस प्लान पेश किया था और बताया था कि मतलब बताया कि डिमिलिटराइजेशन की जाए जम्मू कश्मीर से दोनों फोर्सेस की. तो और इस पे इंडिया ने जो है ना वो कोई रिस्पांस नहीं किया, और इंडिया ने कहा कि थिंग दैट इज नीडेड, द ओनली थिंग विच वी डिमांड टू गिव अप टेररिज्म, वी डोंट नीड पीएम फोर पीस पॉइंट्स to initiate any process in the Kashmir. We just need to give up the terrorism. Means that terrorism को खत्म करें. और वो बार बार मोदी, नरेंद्र मोदी भी इस बात को repeat करता रहा है कि talk and terror cannot go hand in hand. तो वो यही बात करते रहे, उनका मतलब यही कहना रहा है इस चीज के लिए. ये थे जी, इसका हमने देखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस पाक इंडिया रिलेशंस के, कुछ इवेंट्स डिस्कस किए, कुछ किस तरह के रिलेशंस है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंटेम्पोरेरी जो चैलेंजेस हैं पाक इंडिया रिलेशंस में, वो क्या क्या है. इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कश्मीर इशू है. कश्मीर इशू की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो हॉस्टैलिटी की सबसे बड़ी वजह है वो कश्मीर इशू है. और कश्मीर इशू का जब तक कोई रिजॉल्व नहीं होता तो इस पाक इंडिया रिलेशंस बेहतर नहीं हो सकते, बिकॉज ये एक ऐसा इशू अब बन चुका है कि इसके अंदर इस इशू के साथ साथ लोगों की हिस्ट्री लिखी जा चुकी है. मतलब पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर बन गई है, इसमें वॉर हुई है, और फिर आए रोज जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो लोगों को एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जा रही हैं. बेसिकली ये दोनों कंट्रीज के लिए ज़रूरी है कि वो कश्मीर इशू को म्यूचुअली रिजॉल्व करें, और इसमें स्पेशली तौर पे कश्मीर के लोगों की जो विल है उसको मद्देनजर रखा जाए, और कश्मीरी शुड बी अलाउड टू डिटरमिन देयर फ्यूचर. ये तो कश्मीर इशू है इस वक्त कंटेम्पोरेरी चैलेंजेस. दोनों कश्मीर इशू की वजह से दोनों मुल्क बहुत वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है ना बहुत खरीद रहे हैं, बहुत वेपन्स पे पैसा बहुत लगा रहे हैं, बजट लगा रहे हैं वेपन्स पे बहुत. दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो गरीब है, आवाम जो है सड़कों पे, और मतलब इंडिया की भी यही हालत है, इंडिया की आवाम ज्यादा सड़कों पे है हमसे, गुर्बत वहाँ पे ज्यादा है पाकिस्तान की नस्बत. लेकिन ये है कि दोनों मुल्क जो है ना असले की दौड़ में ऐसे लगे हुए हैं, असले की दौड़ में हर साल के जो आर्म इम्पोर्टर होते हैं, ये दोनों कंट्रीज सबसे बड़े आर्म इम्पोर्टर तो इंडिया है, और उसके बाद
पाकिस्तान तो चलो थोड़ा कम है, लेकिन दोनों मुल्क जो है ना वेपन्स पे बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान एंड रोल ऑफ इंडिया, अफगानिस्तान में जो इंडिया का रोल है दैट इज ऑल्सो वेरी डिलीटरियस फॉर पाकिस्तान, बिकॉज अफगानीज आर बींग ट्रेंड अगेंस्ट पाकिस्तान। अफगानिस्तान जिसके लिए कभी हमारी जो है ना वो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी होती, सॉरी हमारी एक डॉक्ट्राइन थी कॉल्ड आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम बट व्हेन आई विल बी कॉलिंग इट आई विल टेल यू। तो इस ये पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के जो रिलेशन थे वो अब तालिबान के दौर में तो बड़े बेहतर हो गए थे, उसके बाद जो है ना वो मतलब काफ़ी ख़राब हुए। तो अब ये वहाँ पे जो रोल है इंडिया का कि इंडियंस जो है ना वो अफगानिस्तान अफगानिस को ट्रेन कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान वाले आके इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और इंडिया को वहाँ पे मुकम्मल जो एक्सेस दी हुई है उन्होंने, वो वहाँ पे वहाँ अफगानिस्तान से जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे बलोचिस्तान इंसर्जेंसी है, फाटा इंसर्जेंसी है और बहुत सारे इसमें पकड़े भी गए हैं इंडियंस। ये भी एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और दोनों मुल्कों के रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है बेसिकली। और भी इस तरह से वाटर डिस्प्यूट जो है, वाटर डिस्प्यूट इंडिया जो है मुसलसल डैम बना रहा है, उसने बहुत सारे डैम बना लिए हैं दरिया सिंध पे और ये जो दरिया नीलम को भी उन्होंने भी उस पर भी जो आज़ाद कश्मीर में बहता है दरिया नीलम उस पर भी उन्होंने जो है ना वो डैम्स बना लिए हैं। सो दिस अ वेरी these are very important points to be addressed, ये addressed होने चाहिए ये जो मसाइल। उसके बाद FATF में इंडिया का रोल है कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की पॉलिसी बनाई और जो कि इसमें इंडिया ने अपना रोल अदा करने के पाकिस्तान जो है ना FATF में रहे और ये भी दोनों के मुल्कों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोनों मतलब वही बात है कि जो उसने कही थी वाजपेयी ने जब वो लाहौर आया था उसने कहा था कि जो है ना दोस्ती नेबर्स के साथ पड़ोसी के साथ दोस्ती नहीं पाली सॉरी दुश्मनी नहीं पाली जा सकती क्योंकि नेबर्स कैंट बी चेंज्ड, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, तो इसलिए इसके साथ जो है ना दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए। ये तो खैर उसने एक स्टेटमेंट दी थी पोलिटिकल। तो बहरहाल ये जो है FATF में भी इंडिया का रोल रहा पाकिस्तान को रिलेशन होने का। फिर बायलेटरल ट्रेड बहुत बड़ा इशू है, अगर ये दोनों मुल्कों के दरमियान बायलेटरल ट्रेड जैसे तातल का शिकार है, अगर ये दोनों मुल्क आपस में ट्रेड करते हैं तो बहुत मतलब इनको बजाय कि बाहर के दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड करें तो इनको आपस में म्यूचुअल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और फिर पाकिस्तान के रास्ते जो है ना इंडिया जो है ना सेंट्रल एशियन स्टेट तक एक्सेस हासिल कर सकता है अगर वो ट्रेड करें आपस में म्यूचुअल ट्रेड करें। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि दोनों मुल्कों के दरमियान भी ट्रेड तातल का शिकार है किसी हॉस्टैलिटी की वजह से। और भी बड़ा जो चैलेंज है, चैलेंज टू रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, न्यूक्लियर आर्म्स रेस है, साउथ एशिया इज एट न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ कन्वेंशनल वॉर न्यूक्लियर वॉर गेट्स स्टार्टेड इट वुड नॉट ओनली डिस्ट्रॉय दिस रीजन बट ऑल्सो वर्ल्ड, सो वर्ल्ड मस्ट एड्रेस दिस इशू। तो रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान और इंडिया के जो हॉस्टैलिटी है या पाकिस्तान और इंडिया के बैड रिलेशनशिप है। तो ये तो हमने कंटेम्पोरारी जो चैलेंजेस डिस्कस किए। अब फ्यूचर प्रस्पेक्ट एंड चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि मुस्तकबिल में जैसे राइज ऑफ हिंदुत्व जो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जो स्पेशली भारतीय जनता पार्टी है जो RSS की जो नज़रिया है फासिज्म का और जिसके पे वो बड़े वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ मतलब बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो ये सिर्फ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, उनकी जो हिंदुस्तान की जो डेफिनेशन है कि जो मतलब पैट्रियोटिज्म की जो डेफिनेशन है वो उनकी जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ और वो हिंदुत्व के नज़रिए पे है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रोल ऑफ ग्लोबल पावर्स बहुत बड़ा इशू है दोनों कंट्रीज के लिए कि ग्लोबल पावर्स नहीं चाहती कि ये एरिया जो है ना स्टेबल हो। वो क्यों नहीं चाहती कि वो चाहती हैं कि ये रीजन अगर स्टेबल हो जाता है, ये दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो वर्ल्ड में बहुत बड़ी चेंजेस ला सकते हैं ये दोनों कंट्रीज। बिकॉज यू डोंट मे बी यू नो दैट बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश जो हमारी इकोनॉमी थी वर्ल्ड की जो बड़े स्केल की इकोनॉमी वर्ल्ड का 26% थी और आज अमेरिका की इकोनॉमी 24% है और दुनिया की सुपर पावर है। और उस वक्त हमारी इकोनॉमी कितनी थी, हमारी इकोनॉमी थी उस वक्त 26%।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि अगर हमने इसको समझा होता और मतलब हम आपस में हमारे रिलेशंस खराब ना होते, कश्मीर इशू को हमने रिजोल्व किया होता। तो ये चाइना पाक, हाँ ये भी एक मसला है कि चाइना पाकिस्तान की जैसे दोस्ती है, इस तरह यूएस इंडो नेक्सस बन गया और उन्होंने काम का से डील भी किया, जैसे पाकिस्तान इंडिया चाइना, पाकिस्तान और चाइना जो है वो सी पैक पे वर्क कर रहे हैं, एक रोड पे, एक ट्रैक पे। इसी तरह से उन्होंने एक म्यूचुअल सिक्योरिटी डिफेंस किया है काम कासा का इंडिया और यूएस ने, तो ये भी एक चैलेंज है जिस तरह से ये नेक्सस बन रहे हैं। अच्छा, सिविक्स ऑफ स्टेट्समैनशिप, ये बहुत मतलब ये असल बात यह है कि आप स्टेट्समैनशिप होती क्या है यहाँ पे या वहाँ पे, उस वक्त तक पैट्रियोटिज्म होता ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो इनकी डेफिनेशन है या उनकी जो डेफिनेशन है, हिंदुस्तान में जो डेफिनेशन है हिंदुस्तान के साथ मोहब्बत की, जब तक कोई आदमी पाकिस्तान से नफरत नहीं करेगा वो स्टेटमैनशिप नहीं, वो हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है। तो ये इन्हें अपनी इस डेफिनेशन पे नजरसानी करने की जरूरत है। हाइपर नेशनलिज्म एंड रोल ऑफ मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिज्म की जद में, नेशनलिज्म की मतलब इस आके इतना ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट जहर उगलते हैं दोनों कंट्रीज के मीडिया, कि वो पब्लिक आपस में एक दूसरे को मतलब जो पब्लिक लेवल की आप कह लेंगे होनी चाहिए आपस में, वो नहीं है ऐसा, कोई कोलैबोरेशन, कोई म्यूचुअल कोऑपरेशन नहीं है कुछ भी। अच्छा, फिर दूसरे एक चैलेंज ये भी है कि इंडिया का जो क्वेस्ट है फॉर रीजनल हेजमोनी, ये भी बहुत जो रीजनल वो चाह रहे हैं कि हम इस रीजन को कंट्रोल करें, जैसे सार्क को वो कंट्रोल कर रहे हैं। फिर मार्जिनलाइजेशन ऑफ प्रोग्रेसिव फोर्सेज, यानी कि जो प्रोग्रेसिव फोर्सेज हैं जो चाहती हैं कि प्रोग्रेस करें, ये दोनों रीजन जो कंट्रीज प्रोग्रेस करें, उन फोर्सेज को ट्रेटर का लगब लगा के जो है ना वो मतलब उन्हें बैन कर दिया जाता है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स चलती हैं और वहाँ की जो पार्टी है इंडियन कम्युनिज्म की, जो उनकी पार्टी है कम्युनिज्म बेस्ड पार्टी, उसका मैं नाम बोल रहा हूँ, तो इस तरह की फोर्सेस को मार्जिनलाइज किया जाना है। तो ये उसके अलावा इसका हम देखते हैं फ्यूचर फाइनल एनालिसिस ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन होना चाहिए दोनों कंट्रीज के दरमियान। स्टेप्स लाइक करतारपुर कॉरिडोर, तब तक ये कंट्रीज जैसे इमरान खान का एक अच्छा इनिशिएटिव ये करतारपुर कॉरिडोर का रहा है, ये इस तरह के स्टेप्स जब तक नहीं लिए जाएंगे तो मतलब इस तरह के स्टेप्स लेने से दोनों मुल्कों के मसाइल हल हो सकते हैं, दोनों मुल्क एक दूसरे के पास डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो, दोनों मुल्क के डिप्लोमेटिक एजेंट्स आपस में वर्क करें। और फिर कश्मीर इशू के सोल्यूशन की तरफ बढ़ा रहे, जैसे मैंने पहले बताया कि कश्मीर इशू के सोल्यूशन की तरफ, और कश्मीरियों की विल को इसमें खसूसी तौर पर तरजीह दी जाए, ना कि अपने इंटरेस्ट देखे जाएँ, बल्कि अगर दोनों मुल्क अपने सिर्फ ज़ाती इंटरेस्ट देखते रहे तो फिर कश्मीरी तो किससे आएंगे और ना ये मसला हल होगा। लिहाजा कश्मीरियों की विल को मद्देनजर रखा जाए। इन्हांसिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, आपस में ट्रेड वगैरह को बढ़ाया जाए, और इससे भी बड़ा मतलब अगर ये दोनों मुल्क ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो इन्हें बाहर से जो बहुत ज़्यादा टैरिफ दे के ट्रेड करनी पड़ रही है, ट्रेड पे टैरिफ देना पड़ रहा है, वो नहीं पड़ेगा, वो ये दोनों मुल्कों का जो फ्यूल की भी बचत होगी। इस तरह से प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, इससे भी अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अब देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो मतलब सीरीज भी नहीं हो रही और ये दोनों कंट्रीज इतनी होस्टाइल हैं कि इंडिया तो बाज़ दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से ही मतलब वो कहता है कि खेलना ही है, इस चीज़ का ऐलान करके खेलना ही नहीं है। और बैलेंस्ड अप्रोच बहुत ज़रूरी है दोनों के रिलेशंस में, कि मतलब दोनों मुल्क जो है ना दूसरे के इंटरेस्ट का रिस्पेक्ट करें, दूसरे के इंटरेस्ट का उसके रिस्पेक्ट करें, और ओवरऑल जो पब्लिक जो कांटेक्ट है, जैसे करतारपुर कॉरिडोर क्या है, इस तरह से पब्लिक का आवाम का आवाम से रब्ता मुहिम होनी चाहिए। तो जब तक इन दोनों कंट्रीज के जो आपस में रिलेशंस हैं ये मजबूत नहीं होते, ये खत्ता जो है ये न्यूक्लियर जंग से नहीं निकल सकता। और इस खत्ते की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों मुल्क जो है ना मिल के काम करें और इस खत्ते को तरक्की दें। ये दोनों मुल्क बहुत गरीब हैं और इमरान खान को आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस इनिशिएटिव दैट ही ऑलवेज टॉक्स ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। सो ये जो सब कंटिनेंट का रीजन है, इन लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, जो लोगों के इश्यूज जो हैं जैसे हैं, सो दे म्यूचुअली शुड बी एड्रेस्ड। तो इन लोगों इन मसाइल को हमें मिलके दोनों मुल्कों को मिलके हल करना होगा, और स्पेशली कश्मीर इशू को, और ताकि ये दोनों मुल्क जो है ना वो तरक्की कर सकें। और कोई भी जो न्यूक्लियर वॉर है या इस तरह का कोई भी इकदाम है वो दोनों मुल्कों को जो है ना वो तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। लिहाजा दोनों मुल्कों के लिए ज़रूरी है कि वो टेबल टॉक्स करें और टेबल टॉक्स के ज़रिए जो है ना एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें। तो ये था हमारा पाक इंडिया रिलेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे, अगले लेक्चर्स की पाक अफगान रिलेशन।
तो इस पे हम एंड करते हैं जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।